आज हम बात करेंगे ये वर्ब के बी फॉर्म्स की। यहाँ ये एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का कि मैम ये वर्ब का बी फॉर्म्स होता क्या है। ये बी फॉर्म्स हमेशा प्रॉब्लम करता है, वर्ब का बी फॉर्म्स। ओके, ये होता क्या है? ठीक है, बी के फॉर्म्स आज हम करने वाले हैं। तो कई बच्चों को लगता है ना कि बी के फॉर्म्स में बी आता है, बीन आता है और ये बींग आता है, बट ऐसी बात नहीं है। ओके, वर्ब के बी फॉर्म्स में सिर्फ बी, बी और बीन ही नहीं आता है। वर्ब के आठ बी फॉर्म्स है, आठ है। एक है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये भी वर्ब के बी फॉर्म्स ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल मिला के बी के 8 फॉर्म्स है। ठीक है, 8 फॉर्म्स है। अब हम देखेंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, ये सब होता क्या है वर्ब के बी फॉर्म्स। ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बींग, बींग, पूरा 8 फॉर्म्स है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग होता है। आप लिखते जाओ, जो स्लाइड में लिखा है ना वो तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए लेके आऊंगी कि कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊं। ओके, लेकिन आप यहीं से लिखते जाओ। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये वर्ब के बी फॉर्म्स ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है या मेन वर्ब्स होता है। चलो मुझे बता दो, ये जो मैंने बी का आपका 8 फॉर्म्स बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इज, एम सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, वर। हाँ, तो ये मुझे बताओ कि ये मेन वर्ब होता है या ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरीज होता है। चलो जल्दी से बता दो। ये जो वर्ब सबसे पहले पूछेगा वर्ब का बी, आप बताओगे वर्ब के 8 बी फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बी, बींग, हैज, हैव, हैड, आर, डू, डज, डिड, बी का फॉर्म नहीं होता है। अच्छा, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं? नहीं, ये दोनों होता है, ये दोनों होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, दोनों, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। ये ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। देखना सेंटेंस, मैंने लिखा ही इज अ टीचर और फिर लिखा ही इज टीचिंग इंग्लिश। ये लिखा मैंने दूसरा ही हैज बीन फेथफुल टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार है, ही हैज बीन फेथफुल। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन टेकन, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। पहले कोई भी चीज को ना कि समझो कि वो होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, फिर हम उसको कैसे कैसे यूज करते हैं। फिर लिखा ही हैज बीन डूइंग द वर्क। फिर मैंने लिखा नीचे वाले में ही विल बी प्रेजेंट और फिर लिखा ही विल बी डूइंग द वर्क। सब जगह से ले लिया बी बीइंग बी, ही विल बी डूइंग द वर्क। ओके, चलो ही ये जो है ना ये वर्ब का बी फॉर्म ही है ना, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वर्ब का बी फॉर्म है ना, वर्ब के बी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बी, बींग आता है। ये भी वर्ब का बी फॉर्म है और ये भी वर्ब का बी फॉर्म है। यहां भी बी का फॉर्म बीन है फेथफुल और यहां भी वर्ब का बी फॉर्म यहां है, यहां है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। अब मुझे बताओगे, अभी तो मैंने बताया कि ये जो बी फॉर्म्स होते हैं ये ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। अब बताओ कि ऊपर वाला क्या है, इसी को ना, ये ऊपर वाला सेंटेंस में एक ही वर्ब है और जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आ गया ना तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। इसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जब इज, एम, आर के बाद कोई नाउन आ गया ना, इज, एम, आर के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई नाउन आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया, तो वो लिंकिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता ही इज गुड लिखा होता तो गुड तो एडजेक्टिव है,
और यहाँ इज एक ही वर्ब है, और जब वाक्य में एक ही वर्ब है इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब है, लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ भी लिंकिंग वर्ब है, तो एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है, तो इज मेन वर्ब का भी काम कर सकता है. बट ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे इज मेन वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है, सॉरी टीचिंग मेन वर्ब है और इज ऑक्सिलरी हो गया. अब नीचे वाला सेंटेंस में मुझे बताओ, ये वाले सेंटेंस में, ये मैं पूछ रही हूँ 1, 2, 3 और फिर यहाँ पे 1, 2 लिखा. अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ का बीन क्या है. हाँ, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर में इज तो मेन वर्ब है, तो हमें एक चीज तो पता चला ना कि इस वाक्य में कई सारे बच्चों ने एकदम रट रखा है कि मैम इज एम आर ना हमेशा ऑक्सिलरी होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है. देखो यहाँ इज एम आर के बाद आई एन जी आ गया, तो यहाँ का इज एम आर ऑक्सिलरी है, बट यहाँ का इज एम आर तो मेन वर्ब है. अब मुझे नीचे वाला सेंटेंस बताओ कि बीन क्या है. बीन, ऊपर वाला सेंटेंस में बीन क्या है. ये जो फेथफुल है ना, फेथफुल, फेथफुल उसकी विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है. और यहाँ का हैज क्या है, ऑक्सिलरी है. और बीन क्या है, मेन वर्ब है. बीन मेन वर्ब है, तो वाक्य में जो बीन है ना, जो कि बी का फॉर्म है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट यहाँ पे बीन मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है. देखो टेकन मेन वर्ब है, यहाँ पे टेकन मेन वर्ब है, और यहाँ पे बीन ऑक्सिलरी है. यहाँ पे इनफैक्ट दो ऑक्सिलरी है, हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ का बीन ऑक्सिलरी है. नेक्स्ट वाला, ही हैज बीन डूइंग द वर्क, यहाँ का डूइंग मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि यहाँ का बीन ऑक्सिलरी है. तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बीन मेन वर्ब था और नीचे के दोनों सेंटेंसेस में बीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का काम कर रहा है. ठीक है, देन अगेन ही विल बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है. तो यहाँ का बी विल तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स विल शैल हमेशा ऑक्सिलरी होता है, और ये यहाँ पे उसके बाद एक मेन वर्ब आया, मेन वर्ब है. तो यहाँ का बी मेन वर्ब है, और यहाँ का डूइंग मेन वर्ब है, और बी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी. ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोई आपसे पूछे कि बी ऑक्सिलरी होता है या मेन वर्ब होता है, तो आप बता दोगे ना कि डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस देख के हमें डिसाइड करना है ना कि बी के फॉर्म्स ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है. एक ही वर्ब है तो मेन है, और उसके साथ साथ कोई और आया है वर्ब, तो वहां का ये ऑक्सिलरी हो जाएगा, ये मेन हो जाएगा. ओके, एक सेंटेंस में दो ऑक्सिलरीज आ सकते हैं, दोनों होता है. ओके, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग. अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो बी का फॉर्म्स होता है ना, ये अच्छा इसको नहीं मिटाना चाहिए मुझे. चलो कर दिया. अब आपके दिमाग में एक चीज तो पता चला कि ये जो बी वर्ब्स है, इज एम आर, ये जो इज एम आर वाला वर्ब्स है जिसमें इज एम आर वॉज बीन आता है, इज एम आर वॉज वर बी बींग और बींग, इतना तो पता चल गया. ठीक है, बी ई आई एन जी, कि ये ऑक्सिलरी भी होता है और साथ में मेन भी होता है, सेंटेंस देख के डिसाइड करना. अब मुझे बताओ कि ये जो बी का फॉर्म्स है, ये स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है, ये एक्शन बताता है या स्टेटिव वर्ब का काम करता है. चलिए जल्दी से बताइए, अब यहाँ से पता चलेगा. मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, और मैंने लिखा ही इज वर्किंग, फिर मैंने लिखा ही हैज बीन ऑनेस्ट, या लिख दिया ही हैज बीन गिवन अ बुक. चलो मुझे बताओ कि एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है. ये एक्शन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है. ये बी का फॉर्म्स जो है ना, ये एक्शन भी हो सकता है और स्टेटिव भी हो सकता है. देख लो ऊपर वाले सेंटेंस में ना, ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ इससे कुछ क्रिया का नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ क्रिया नहीं हो रही है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो ये स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है. बट यहाँ इससे कुछ क्रिया, इज वर्किंग को सपोर्ट कर रहा है और इज वर्किंग मिलके कोई क्रिया बता रहा है, तो यहाँ का इज एक्शन बता रहा है. तो बी वर्ब्स एक्शन भी बता सकते हैं, स्टेट भी बता सकता है. और ही हैज बीन ऑनेस्ट, वो वफादार रह चुका है, तो यहाँ जो बी का वर्ब है ना, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, एक्शन वर्ब.
और ही हैज़ बीन गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई। तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई काम किया बट कोई और आके उसको दिया ना, काम तो हुआ ना, उसके द्वारा नहीं हुआ बट किसी और के द्वारा उसको बुक दी गई, तो काम तो एटलीस्ट हुआ ही है। तो यहाँ का एक्शन, तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी है, अभी तक हमने बी वर्ब्स को लेकर दो चीज़ें सीखी है कि ये स्टेटिव भी होता है और एक्शन भी होता है, और ये ऑक्सिलरी भी होता है और ये मेन भी होता है, दोनों मेन भी होता है, एक्शन भी होता है, ऑक्सिलरी सब है। चलो अब नेक्स्ट वाला, बी वर्ब्स में बच्चों का कन्फ्यूजन रह जाता है। वो क्लोज टेस्ट का बैच फ्री ही रहेगा सबके लिए जो फ्री रहे, लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट, अब आपका कन्फ्यूजन क्या है? देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो इज एम आर, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये कन्फ्यूजन दूर करना है, क्योंकि एग्जाम में ना यही गलती कर लेते हैं, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये कभी कभी वाक्य में वर्ब का काम करता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये चीज़ याद रखना है। मैंने आपको पहला दिन ही बताया था जब मैं वी वन वी टू करवा रही थी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का भी काम करता है। जहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म से किसी एक्शन का बोध हो रहा है इसका मतलब है वो वर्ब है, और जहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म से कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा है इसका मतलब है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हाँ ओके, तो अब देखो, अब सेंटेंस आपके दिमाग में क्या क्या आएगा। अब हम सम यूजेस ऑफ बी फॉर्म्स करेंगे, इसका यूजेस क्या क्या है। आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि मैम ये इज एम आर, जब इज एम आर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इज एम आर के साथ कभी कभी वर्ब का आई एन जी फॉर्म भी आता है, ठीक है, आई एन जी फॉर्म भी आता है, और कभी कभी इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, ठीक है। अगर इज एम आर वाक्य में ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरी का भी काम करता है ना, अगर ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद वर्ब का आई एन जी फॉर्म भी आ सकता है और थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। और आपने रट रखा है कि जब भी सेंटेंस में वर्ब का बी फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया इसका मतलब है कि सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और जब भी उसके साथ वी थ्री आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। लेकिन याद रखना है कि जब इज एम आर के साथ वर्ब का वी थ्री फॉर्म आ गया और सेंटेंस पैसिव जाएगा, कब, जब वो वी थ्री सेंटेंस में किसी एक्शन का बोध करवा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इज एम आर के साथ, अब बच्चों ने रट रखा है कि इज एम आर के पास थर्ड फॉर्म आ गया ना, सेंटेंस पैसिव होगा, बट कभी कभी इज एम आर वॉज वर के साथ वी थ्री आ गया फिर भी सेंटेंस एक्टिव जाता है, फिर भी एक्टिव। अब आप बोलोगे ये कैसे, अभी तो आपने बोला कि इज एम आर के साथ वी थ्री आ गया तो पैसिव होगा, और अभी आपने इज एम आर के साथ वी थ्री लगा दिया और बोला कि एक्टिव जाएगा, कब, जब वहां का वी थ्री एडजेक्टिव का काम करे। ओके, जब वहां का वी थ्री एडजेक्टिव का काम करने लगे तो मान लो कि वो एक्टिव है, जब वी थ्री वर्ब का काम करने लगे तो पैसिव है। पहले इसको नोट करिए, मैं एग्जाम्पल्स दे रही, इसको नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस मैंने लिखा ही इज गिविंग अ बुक, ही इज गिविंग अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज गिवन अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज सरप्राइज्ड, ही इज सरप्राइज, तीन सेंटेंस मैंने लिखा है। ओके, ही इज गिविंग अ बुक, ही इज गिवन अ बुक, और ही इज सरप्राइज। और अब सेंटेंस देखो, ही इज गिविंग अ बुक, और हर समय वी थ्री वी फोर देख के थोड़ी एक्टिव पैसिव डिसाइड करते, थोड़ा सेंस भी तो देखा जाता है। ही इज गिविंग अ बुक, वो एक बुक दे रहा है, उसके द्वारा काम हो रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। और ही इज गिवन अ बुक, ही इज गिवन अ बुक मतलब उसको एक बुक दी गई किसी और के द्वारा, तो यहाँ ही ने कोई काम नहीं किया, कोई और आके उसको बुक दिया, ये पैसिव हो गया। ओके, और दूसरा ही इज सरप्राइज्ड मतलब ही खुद सरप्राइज्ड है, ही आश्चर्यचकित है, तो ही के बारे में ही बात बोली जा रही है ना, तो ये एक्टिव है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि मैम चलो ये तो ठीक है, इज एम आर के बाद अगर आई एन जी फॉर्म आ गया
इज एम आर के बाद अगर आई एन जी फॉर्म आ गया तो ठीक है, सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और इज एम आर के साथ यहाँ पे वी थ्री आ रहा है, तो यहाँ वी थ्री आ रहा है तो आपने पैसिव लगाया, और सरप्राइज भी तो वी थ्री है, इज एम आर के बाद सरप्राइज भी तो वी थ्री है, तो आपको पैसिव लगाना चाहिए ना। आपने क्यों एक्टिव किया? बिकॉज यहाँ का सरप्राइज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ सरप्राइज में ना कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा है, ओके okay, यहाँ वो आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है, तो यहाँ किस वी थ्री से कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा, इसका मतलब एडजेक्टिव है, और इस एम आर के बाद एडजेक्टिव आ गया तो एक्टिव जाएगा, वी थ्री आएगा वर्ब का काम करे से, यहाँ गिवन से किसी क्रिया का बोध हो रहा है, ओके okay? चलो मुझे एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता दो, चलो एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताओ अभी तक आपने क्या सीखा कि इज एम आर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, इज एम आर मेन भी हो सकता है, स्टेटिव भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, अगर इज एम आर ऑक्सिलरी का काम करेगा उसके बाद आई एन जी भी आ सकता है, इज एम आर के साथ वी थ्री भी आ सकता है पैसिव में, बट कभी कभी इज एम आर के बाद वी थ्री आने के बावजूद भी सेंटेंस पैसिव ना जाके एक्टिव जाता है, बशर्ते कि वो वी थ्री कोई एक्शन नहीं बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यस ओके ओके हाँ कुछ नहीं देख रही हूँ, बेकार है कमेंट्स, आप बेकार है कमेंट्स करके ना, आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद आपको बी फॉर्म्स में दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से किसी को समझा देना, बी थ्री भी ले सकता है, बी थ्री बी फोर भी ले सकता है। और एक दूसरा चीज बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, ओके दूसरा चीज बच्चों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना अभी वैसे मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन है एक्टिव पैसिव पहचानने में, एक्टिव पैसिव पहचानने में एक मैं छोटा सा आपको कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। इसको पहचानने में आपको दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि आपने रट रखा है कि मैम जहाँ भी सेंटेंस में बी ना गया ना, जहाँ भी सेंटेंस में बी आ गया, जहाँ भी सेंटेंस में बींग आ गया, जहाँ भी सेंटेंस में बींग आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बीन और बी और बींग लगा के सेंटेंस पैसिव नहीं होता है, ये पैसिव तब होगा ना जब इस बीन के बाद वी थ्री लगे, बी के बाद वी थ्री लगे, बींग के बाद वी थ्री लगे ना, तब पैसिव बनाना। अब ये सेंटेंस देख लो, ही हैज बीन इल, ही हैज बीन इल, ठीक है, हम पैसिव बनाने के लिए वी थ्री लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, बट कभी कभी सेंटेंस में वी थ्री लगा होता है, बट फिर भी सेंटेंस पैसिव ना होके एक्टिव होता है। पहले ये देखो, ही हैज बीन विन, और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन गिवन ट्रीटमेंट, सिर्फ बीन लिख के थोड़ी समझोगे, ओके सिर्फ बीन देख के थोड़ी डिसाइड कर लेना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। अब यहाँ पे इल क्या है, अब कुछ बच्चा ना हैस के बाद बीन देख लेगा, अरे बीन देख लेगा इसको पैसिव समझ लेगा, बट ये सेंटेंस एक्टिव है, ही हैज बीन इल, वो बीमार रह चुका है, ऐसा थोड़ी है कि किसी और ने आके उसको बीमार किया, वो खुद बीमार है, और ये पैसिव नहीं जाएगा, पैसिव होने के लिए ना बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, बट यहाँ बीन के बाद तो इल आ गया, इल तो एडजेक्टिव है, इल एडजेक्टिव है, यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आया, पैसिव नहीं हो सकता, एक्टिव है, बट यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया है, यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया है, इसका मतलब है ये पैसिव है, उसको ट्रीटमेंट दी गई डॉक्टर के द्वारा, ओके तो सिर्फ बीन देख के ना, जहाँ भी बीन देख के मत समझ जाना कि अरे ये तो पैसिव है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वैसे मैं एक और सेंटेंस आपको बी वाला भी करके बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा ही विल बी ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के प्रति सच्चा रहेगा, और मैंने लिखा ही विल बी गिवन अ बुक। अब देखो यहाँ पे देखो बी है, सिर्फ बी देख के पैसिव थोड़ी होता है, बी के बाद ट्रू आ गया, ट्रू एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस एक्टिव जाएगा, बट यहाँ बी के बाद वी थ्री आ रहा है, ही विल बी गिवन अ बुक, उसको किसी और के द्वारा बुक दी जाएगी, पैसिव हो गया, पैसिव। बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अभी ये भी मैं बताऊंगी, ओके हाँ पैसिव है। तो बस ना मुझे ये चीज यहाँ पे बताना था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बी बींग को देख के वो पैसिव समझ लेते हैं, पैसिव होगा बट उसके बाद वी थ्री आएगा, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो उसको पैसिव मत डालना, ठीक है उसके बाद मत डालना। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ बच्चे रट लेते हैं कि मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म जहां भी आ गया ना तो उसको पैसिव समझ लेना है, जैसे मैंने लिख दिया ही हैज डन द वर्क,
ही हैज डन द वर्क, तो आपको लगेगा अरे थर्ड फॉर्म है. ऐसा थोड़ी है कि जहां भी थर्ड फॉर्म आ गया पैसिव ही होगा. हैज हैव हैड के बाद एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका बता रही हूँ. हम जब एक्टिव पैसिव डिटेल में पढ़ेंगे, हैज हैव हैड के तुरंत बाद जब थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव होता है. लेकिन यही हैज हैव हैड, यही हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आया ना, तो सेंटेंस पैसिव जाता है. तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म है लेकिन फिर भी पैसिव नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हैज के तुरंत बाद वी थ्री आया. पैसिव होने के लिए ना हैज हैड हैड के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाना होगा. अब मैं ऐसा लिखी रहती, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल. तो यहां पे देखो बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गया. इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पैसिव. ओके, हाँ. इसके बाद मॉडल वर्ब स्टार्ट होगा. ठीक है, इसके बाद मॉडल वर्ब स्टार्ट होगा, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट होगा. पैसिव जा रहा है, ही हैज बीन टेकन, क्योंकि बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया ना. अब यहां पे मैंने लिखा ही हैज बीन इल, तो ये भी तो एक्टिव है ना. इल तो एडजेक्टिव हो गया. बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तब पैसिव होगा. अब मुझे बताओ कि एक्टिव, ये समझ में आ रहा कैसे सेंटेंस में पहचानोगे कौन सा एक्टिव होगा कौन सा पैसिव होगा. इज एम आर के बाद आई एन जी आ गया तो एक्टिव, इज एम आर के बाद वी थ्री आ गया तो पैसिव. कभी कभी इज एम आर के बाद वी थ्री आ गया तो पैसिव ना होके एक्टिव होता है, बशर्ते कि वहां का वी थ्री एडजेक्टिव का काम करे. और हैज हैव हैड के बाद तुरंत वी थ्री आ गया तो एक्टिव, हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के वी थ्री आ गया तो पैसिव. पैसिव, ओके. ठीक है, हाँ हो गया, ये भी हो गया. अब एक चीज और, अब आप मुझे बोलोगे कि ये सब क्या है. ये जो बी फॉर्म होता है ना, वर्ब का बेस फॉर्म है. जैसे जैसे गो बेस फॉर्म होता है, बेस का मतलब होता है मेन फॉर्म, आधार. ये गो बेस बेस फॉर्म है, इसी से बनता है ना गोज, इसी से बनता है गो, इसी से बनता है वेंट, इसी से बनता है गॉन, और इसी से बनता है गोइंग. तो ये वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म. तो उसी तरह बी भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है. और उसका हमने क्या लिखा, इज एम आर वॉज वर, और उसी का लिखा मैंने बी. बी तो बेस हो गया, और फिर लिखा बीइंग, और फिर लिखा क्या, बीन. अब मुझे बताओ कि ये जो इज एम है ये कौन सा फॉर्म में चला. इज एम आर क्या है, प्रेजेंट टेंस. इज एम को हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस को. बट डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में जाता है और ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल जाता है, प्लूरल, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल जाता है. उसी तरह वॉज या वॉर भी है, ये पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट टेंस है. ये पास्ट टेंस में सिंगुलर जाता है और ये पास्ट टेंस में प्लूरल जाता है, और बी तो बेस फॉर्म है. और ये जो बीइंग है ना उसका वी फोर फॉर्म है, वी फोर मतलब उसका आई एन जी फॉर्म. और ये जो है बीन है इसका थर्ड फॉर्म है. आप देख रहे थे सब जगह हैज हैव हैड के बाद मैं बीन लगा रही थी, थर्ड फॉर्म. इज एम आर हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं ना, ही इज, और दे के साथ आर, आई के साथ आम, तो सब प्रेजेंट टेंस है. बट ये दोनों सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ये दोनों पास्ट टेंस है, एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए. और बीन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये वी फोर है.